हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसको करने मात्र से वशीकरण हो सकता है। पूरी संभावना होती है इसमें इसका वशीकरण होने की। इस विधि में कुछ ऐसे यंत्र के बारे में हम बात करेंगे जिसको आपने अपने बर्तन पर बनाना है, लेकिन वो किस प्रकार बनाना है कि आपके जो मेहमान है जिसको आप खाना खिला रहे हैं उसको दिखाई भी ना दे और आपका काम भी हो जाए। मित्रों, आज भी इस दुनिया में अनेकों ऐसे लोग हैं जो वशीकरण करना तो चाहते हैं, लेकिन इतना मंत्र जाप इतना ये सब नहीं हो पाता उनसे, जिसकी वजह से वो आज भी निराश है। लेकिन अब निराश का कोई समय नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा उपाय है, छोटा सा टोटका है। इसे आप वशीकरण का नाम दीजिए या फिर अपनी ओर अट्रैक्शन का। काम आपका वही होगा जो आप चाहते हैं, सिर्फ आपकी नियत साफ होनी चाहिए। और यह उपाय आप किसी पर भी कर सकते हैं, चाहे वह आपका घर का सदस्य है चाहे बाहर का है। आप लेडीज है जेंट्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे दिल से और विश्वास से करेगा उसको उचित फल अवश्य मिलेगा। लेकिन मित्रों, यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि हमारे दूसरे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस को भी अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना काले जादू से, वशीकरण से और घरेलू टोटके से संबंधित वीडियो उस चैनल पर भी आपको देखने को मिल सके। आइए चलते हैं और जान लेते हैं इस यंत्र के बारे में। इस यंत्र को आप किसी भी थाली के नीचे गोरोचन और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गोरोचन एकदम ओरिजिनल हो, दाने वाली हो। बगैर दाने वाली गोरोचन इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी जितना आप इस पे चाहते हैं। और जो कुमकुम आपने लेनी है वो माता रानी का सिंदूर भी चल सकता है, रोली भी चल सकती है, जिस भी नाम से आप जानते हो इसे। इसमें थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी शीतल जल मिलाकर इसको अच्छे से घोल लें। घोलने के बाद किसी भी थाली को उल्टा करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से इस यंत्र को बनाना है। और यह कार्य आप अकेले में करिए, बेशक आपका जो मेहमान आने वाला है जिसको आपने खाना खिलाना है या जो भी है उससे पहले यह कार्य करके रख लीजिए। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके मेहमान को और जो भी अलग व्यक्ति उसमें खाना खा रहा है उसको इस यंत्र के बारे में ना ही पता लगे और ना ही यह यंत्र अखंडित हो। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बर्तन है, बर्तन के नीचे अगर इस यंत्र को बनाएंगे और उसमें वो खाना थाली को नीचे रख के खाएगा तो यंत्र अखंडित होगा ही होगा, इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक कार्य कर सकते हैं, इस यंत्र को बना लेने के बाद नीचे कोई भी टेप वगैरह या कागज वगैरह या कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि यंत्र मिटने ना पाए। और जैसे जैसे वो व्यक्ति उस खाने को खाता जाएगा, यानी उस थाली में खाना खाता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर आपके प्रति प्रेम, स्नेह, विश्वास, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। और धीरे धीरे आप उसमें ऐसा फर्क देखेंगे कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही वह व्यक्ति करेगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपकी नियत साफ होनी चाहिए और आपको
इस कार्य पर विश्वास होना चाहिए, अन्यथा यह कार्य बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस यंत्र के बारे में जान लेते हैं जो यंत्र आपने थाली पर बनाना है। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह यंत्र है जो आपने थाली के पीछे बनाना है। आप किसी भोजपत्र पे बनाकर इसको नहीं चिपकाएंगे, इसको थाली पर ही बनाएंगे और अपनी अनामिका उंगली द्वारा बना सकते हैं, यानी अपनी तीसरी उंगली द्वारा इसको बना सकते हैं। इसको बनाने का कोई समय, कोई दिन, कोई वार नहीं है, लेकिन आप जितने शुद्ध होंगे यह उतना ही शुद्ध कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने आप क्या करना है। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।